बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स 2021-22 जो आपके होने हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, टाइम टेबल कब आएगा, सारी चीज़ों का डिस्कशन वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। उसके पहले वाहिद इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। जितने भी लोग चैनल को नए देख रहे हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जितने भी BLED से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, आपको जो भी है टाइम पर यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब देखिए क्या है कि समय हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सटेंड हो गया है समय। जून निकल गया, जुलाई आ गया, जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, एग्जामिनेशन फॉर्म की कोई यहाँ पर खबर नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ चर्चा करेंगे जैसे कि आप सेटल हो जाएँ और जो आपको मेन फोकस करना है वो आपकी प्रिपरेशन। तो एग्जामिनेशन कब होंगी, सब्जेक्टिव होंगे या MCQ, आइए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर समझ में आ रहा है और पता लगा है कि अब क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है, 16 जुलाई हो गई है आज, तो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जो कि जितने भी एजुकेशनल कोर्सेज हैं आपके उन सभी के लिए रहेगा। BEd हो गया, MEd हो गया, BLED हो गया, तो सभी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 3 से 5 दिन में होपफुली आ जाने चाहिए, बिकॉज अब काफ़ी लेट हो गया है और पता भी चला है कि 3 से 5 दिन में रिलीज़ होने वाले हैं। जो आपके एग्जामिनेशन है वो अगस्त में हो जाते हैं और अगर डिले होंगे तो सितंबर तक जाएंगे। अगस्त में आपके एग्ज़ाम वैसे हो जाने चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आपका रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है और अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। अगर उस समय कोई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म आता है तो हम भर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगस्त के लिए आप एकदम तैयार रहिए और अगर डिले होगा तो सितंबर तक यहाँ पर एग्ज़ाम जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपको MCQ बेस्ड पढ़ाई करनी है या फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो सब्जेक्टिव हम जिसको कहते हैं उस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो क्या है कि जो MCQ बेस्ड पैटर्न था वो पिछले बार था जब कोविड हुआ था और वहाँ पर जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, इसलिए आपका MCQ बेस्ड करवाया गया था। वो कोई एक रीज़न नहीं था, बट यहाँ पर क्या है आपके सब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे और उसी तरीके से आपको आंसर भी लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको सारे ही प्रीवियस ईयर की लिंक भेज दी जाएगी पिछले 10 सालों की। जिनके पास नहीं है वो देखिए और तैयारी करिए। लास्ट एंड पर आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके पास किताबें हैं उनसे पढ़िएगा। नेक्स्ट बात है कि एग्जामिनेशन फॉर्म की जो भी न्यूज़ है वो अगर आ जाती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, कब आपका निकलेगा उसी दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल को, इम्पॉर्टेंट है बहुत आपके लिए ज्वाइन करना, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करते रहें। ये है अपना टेलीग्राम चैनल, जाइए ज्वाइन करिए। कल वीडियो डाला गया था कि आप CTET में जो BLED वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं, किस ईयर में आपको फॉर्म भरना है और कब आपका फॉर्म जो है वो वैलिड रहेगा, तो जाइए वीडियो को ज़रूर देखिए। ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई। अगेन जो टेलीग्राम का लिंक है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, बेफिक्र होकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे, टाइम टेबल भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, बट आपको उसके पहले प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, 1-2 महीने में आपके एग्जामिनेशंस निपट जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।